बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाने वाली कांग्रेस और सपा भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी हैं और लगता है कि ये सब अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखकर किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अभी असम में पार्टी के चुनाव प्रचार में है। वहां जाने के बाद वो सबसे पहले देश के शक्ति पीठों में से एक कामाख्या मंदिर गईं और पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने यूपी के प्रयागराज में खत्म हुए माघ मेले के दौरान भी त्रिवेणी में स्नान किया था। इतना ही नहीं, इसके बाद प्रियंका मथुरा में किसानों की महापंचायत के बाद बांके बिहारी मंदिर गई थी, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा कर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मांगा था। वहीं दूसरी ओर सपा भी कांग्रेस की राह पर चलती हुई नजर आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। वो पहले चित्रकूट गए और भरतकूप में स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा की। हालांकि विस्टर बुक में अंग्रेजी में अपनी भावना लिखने पर पुजारी ने उन्हें रोका और हिंदी में लिखने का आग्रह किया। पुजारी के आग्रह के बाद उन्होंने हिंदी में लिखा। माघ मेले के दौरान भी अखिलेश ने संगम में डुबकी लगाई थी। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव मिर्जापुर पहुंचे और माँ विंध्यावासिनी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। माँ विंध्यावासिनी के मंदिर के पास ही कंतित शरीफ में हजरत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की दरगाह है। मगर बीजेपी पर धर्म के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव ने इस्माइल चिश्ती की दरगाह से दूरी बनाए रखी। हालांकि अखिलेश यादव के मिर्जापुर आने की सूचना के बाद पार्टी के कार्यकर्ता दरगाह में इकट्ठा हो गए थे। दरगाह की देखरेख करने वालों ने टोकरे में चादर और दरगाह पर चढ़ाने के लिए फूल का भी इंतजाम कर रखा था, लेकिन अखिलेश यादव ने समय के अभाव की बात कहकर दरगाह से दूरी बना ली। इस बात को लेकर दरगाह कमेटी के लोग नाराज भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस्माइल चिश्ती के दरगाह की मान्यता अजमेर शरीफ के ख्वाजा गरीब नवाज की तरह ही है। इस्माइल शरीफ दरगाह पर पिछले 4 दशक से एक हिंदू कसेरा परिवार पहले चादर चढ़ाता है, उसके बाद ही वहां मेले की शुरुआत होती है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक कहते हैं कि अगर किसी की हिंदू देवी देवताओं में आस्था बढ़ रही है तो इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए, भले ही ये चुनाव को लेकर ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।